राजधानी दिल्ली और एनसीआर के साथ पूरे उत्तर भारत का मौसम इस वक्त आंख मिचोली खेल रहा है। गुरुवार को भी दिल्ली और एनसीआर में कई जगह बारिश और बूंदाबांदी हुई। गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही संभावना जताई गई है कि 14 और 15 मार्च को एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। इस बीच एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, इसके चलते उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में तूफान और गरज के साथ हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 मार्च तक पूर्वी भारत में तूफान के साथ बारिश का अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में 10 और 11 मार्च को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज झारखंड, बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के मुताबिक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस 12 मार्च की रात को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पहुंचने वाला है। इसके चलते पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 12 से 14 मार्च के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम में हुए इस बदलाव से लोगों को काफी अच्छा लग रहा है। वहीं पहाड़ों और मैदानों में बारिश और बूंदाबांदी ने गर्मी से राहत दी है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर के तापमान में भी कमी देखी गई है। उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री रह सकता है। लखनऊ में भी आज आसमान साफ है। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और 31 डिग्री है। गाजियाबाद में भी आज आसमान साफ है। आने वाले दिनों में गाजियाबाद में भी तापमान में बढ़त देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र और कच्छ और तटीय कर्नाटक में अलग अलग इलाकों में लू चलने की संभावना है। गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ और तटीय कर्नाटक के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के दायरे में है, जबकि तमिलनाडु, केरल, कोंकण, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, रायलसीमा और पश्चिम मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के दायरे में है। गोवा में लू की आशंका के चलते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज सभी स्कूलों को दोपहर के पहले बंद रखने के आदेश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की माने तो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।